हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि बिंदुओं 2.1 और दूसरा बिंदु दे रखा है 5, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। अब यहां तक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है आपने एक लाइन बनानी है, इसके एक तरफ ए लिखा और ये है आपके पास 2.1, दूसरी तरफ बी लिखा और ये है आपके पास 5, -8। ठीक है, जोड़ने वाला रेखाखंड। उसके बाद बिंदुओं पी और क्यू पर समत्रिभाजित होता है। अब ये समत्रिभाजित का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है आपको यहां पर दो बिंदु देने हैं, एक बिंदु हो गया ये पी और दूसरा बिंदु हो गया ये क्यू। अब याद है आपको क्लास में बताया था कि क्योंकि ये त्रिभाजित है तो अगर मैं इसको 1 बोलूंगा तो फिर ये भी कितना होगा? 1 ही होगा, तो ये भी कितना होगा? 1 होगा। ये तो बता रखा था आपको क्लास में। ठीक है, तो अब आगे क्या कहा है? जहां पी बिंदु ए के निकट है, देखो पी जो है ए के निकट दिख रहा है, यदि बिंदु पी से 2x-y+k=0 पर भी स्थित है, यदि बिंदु पी इस रेखा पर भी स्थित हो तो के का मान निकालें। इसका क्या मतलब है? आसान है बहुत, कोई ऐसा अलग से नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है पी, ये किसी और रेखा के ऊपर भी है, रेखा के ऊपर। इसका मतलब है अगर मैं यहां से ये रेखा को पास करवाता हूं तो जो रेखा है इसका समीकरण है 2x-y+k=0। तो आप सोचेंगे तो बिल्कुल अलग हो गया, नहीं, वही सब कुछ है पर करना भी वैसा ही है। सबसे पहले ये जो पी है इसके हम निर्देशांक निकालेंगे, तो इसलिए मैंने इसको एक्स वाई मान लिया। और आपको पता है अगर यहां से यहां तक का 1 बोलूंगा तो फिर यहां से यहां तक पूरा कितना होगा? ये तो पता ही आपको, 2 है, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब आपको क्या करना है? ए का ये जो निर्देशांक है इसके नीचे लिख लो x1y1, बी का निर्देशांक लिखो x2y2, ये 1 जो है ये m है और ये जो है क्या है n है। तो अब आपको क्या करना है? विभाजन सूत्र लगाना है। वो विभाजन सूत्र लगाकर दिखाता हूं मैं आपको। पहले लिखोगे x=mx2nx1/m+n। अब जरा ऊपर देखोगे कि m क्या है तो सब आपको ऊपर ही मिलेगा। देखो m आपके पास जो है वो 1 है, तो इसकी जगह हम 1 रख लेते हैं। x2 क्या है? देखो x2 देखो कितना है, 5 है, तो 5 लिख लेते हैं। प्लस n कितना है? n देखो ये रहा 2, तो n हो गया हमारे पास 2, 2 लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई x1 क्या है? देखो ये रहा x1, ये दिख गया होगा x1 कितना है, 2 ओवर m क्या है? m है 1 और n क्या है? ये है 2। इसको हल कर लो, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया, 1 को 3 से जोड़ा, 7 जोड़ा तो 3 आ गया, तो ऊपर 9 आ गया और नीचे कितना आ गया? 3। 9 को अब हम क्या करते हैं? 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। ये समझ में आ गया होगा आपको यहां तक, है ना? तो ये याद रखना कि हमारे पास x का मान कितना आ गया है, 3 आ गया, ये पहले याद रखना है। तो अब हम क्या करेंगे? विभाजन सूत्र में हम y वाला फॉर्म लगाएंगे। y वाला क्या है? m y2 n y1 over m plus n। ठीक है, आसान है इसको भी लगाना। सबसे पहले m देखो कितना है, ये देखो ये रहा m, तो इसकी जगह 1 रख लेंगे, 1 रख देते हैं। y2 कितना है? ये देखो y2 ये है -8, तो -8 रख लेते हैं। फिर प्लस रखेंगे, n की जगह क्या रखेंगे? देखो n 2 है तो n की जगह 2 रख लेते हैं। मल्टीप्लाई y1 कितना है? देखो y1 ये देखो 1 है, 1 रख लिया और नीचे आपके पास क्या होगा? 1+2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर पहले -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -8 आएगा। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 आएगा। और नीचे 2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये आ गया -6/3। अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -2 आएगा। कितना आएगा? -2।
अब आप देखें ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें ये हमें एक्स वाई का पहले क्या निकालना था, हमें एक्स वाई के मान निकालने थे, तो एक्स का मान तो हमने 3 निकाल लिया और वाई का मान कितना निकाल लिया, -2। तो अभी के लिए हमने यहां तक तो इसको सॉल्व कर लिया, अब आगे सॉल्व करेंगे, ये मान याद रखना ठीक है। तो हम यहां तक पहुंच गए, अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये बिंदु प्रश्न के हिसाब से ये जो लाइन हमने बनाई है इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है, और इस लाइन का जो समीकरण है वो ये है, और इस समीकरण में तुम्हें एक्स भी दिखाई दे रहा होगा वाई भी दिखाई दे रहा होगा, तो एक्स और वाई दोनों का हमने मान ऊपर निकाल लिया है, तो अब आप एक्स की जगह पर क्या रखोगे, 3 को रखोगे, और वाई की जगह पे क्या रखोगे, -2 रखोगे, और सॉल्व करो। तो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे 3 रखना है माइनस वाई की जगह क्या रखना है, -2 रखना है, प्लस के इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया 6, और ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। अब ये तो होता है 8, कितना होता है 8 होता है, तो 8 प्लस के इक्वल टू 0। अब इस 8 को वहां शिफ्ट कर देते हैं तो के हमारे पास कितना आ जाता है, -8। तो के का ही मान निकालना था इस क्वेश्चन में जो हमने कंप्लीटली सॉल्व करके निकाल लिया। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा।